धन्यवाद महतो जी, मंच पर आसीन एवं यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मान्य सदस्य, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं एसपी चौधरी वर्तमान में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यरत हूँ। यहाँ पर मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं समृद्ध भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को बधाई देता हूँ एवं मुझे खुशी है कि आज इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि बिजनेस करने के लिए या कंट्रैक्टरशिप करने के लिए उनको अधिक से अधिक जानकारी प्रदान की जाए। मैं जिस विभाग में हूँ आपको मैं थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। एक आज जब कंट्रैक्टरशिप की बात आती है तो CPWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ी जानकारी होनी जरूरी है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1854 में इस्टेब्लिश हुआ था। आप समझ सकते हैं इतना पुराना डिपार्टमेंट जो तब से लेकर के आज तक भारत के विभिन्न कोनों में निर्माण कार्य कराता रहा है। इस विभाग के अधीन एक सबसे नीचे तबके के लिए समझ लीजिए कि जो पहले ग्रुप डी एम्प्लॉई होते थे उनके मकान से लेकर के उच्चतम राष्ट्रपति भवन तक के जो कार्यालय हैं इन सब की देखरेख, इवन राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इस तरह के पुराने बिल्डिंग्स भी हमारे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा ही उस समय बनाए गए थे। विभाग में जिस तरह से काम होते हैं मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ये देना चाहूँगा कि मुख्यतः ये सारे बिल्डिंग्स के काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस हों, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हों, या कहीं पे स्टेडियम का काम हो, रोड का काम हो, फ्लाईओवर का काम हो, बॉर्डर फेंसिंग का काम हो, इस तरह के सारे कार्य इस विभाग के जरिए कराए जाते हैं। कोई भी एक इंजीनियरिंग विभाग जब होता है तो उसका एक इंजीनियरिंग सेटअप होता है। अगर किसी को कंट्रैक्टरशिप में आनी है तो एक थोड़ी सी जानकारी मैं बेसिक ये देना चाहूँगा। वैसे आप सभी जानते ही हैं कि शुरुआत सबसे पहले एक इंजीनियरिंग कैडर होती है जूनियर इंजीनियर से, उसके ऊपर एक सहायक अभियंता, अगर आप स्टेट पीओडी वगैरह में गए होंगे तो सहायक अभियंता वगैरह सब आप परिचित होंगे, जिसको हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर भी बोलते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, ADG, SDG, DG, ये सेटअप होता है इंजीनियरिंग कैडर का राइट फ्रॉम जूनियर इंजीनियर से लेकर के DG तक। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन के कामों के लिए इतनी ज़्यादा दस्तावेज उपलब्ध हैं, किसी को भी अगर जानकारी लेनी हो, आइटम्स के बारे में जानकारी लेनी हो, चाहे जिसको हम लोग अगर कुछ लोग परिचित भी होंगे, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स कहलाता है, जिसमें हर कार्य को कराने का मद का विवरण होता है कि वो कार्य जब निविदा में शामिल की जाती है तो उसका नॉमनक्लेचर क्या होना चाहिए, वो एक स्टैंडर्ड नॉमनक्लेचर होता है। जब भी कोई एस्टिमेट बनाया जाता है तो वो DSR से आइटम्स उठाए जाते हैं और उसको अर्थवर्क के लिए, कंक्रीट के लिए, ब्रिक वर्क के लिए सबके आइटम्स उसमें लिस्ट आउट कर दिए जाते हैं। तो ये DSR जो है ये एक तरह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, मतलब लोग कहते हैं कि इसको बाइबल की तरह, गीता की तरह मान के चलिए कि अगर इसका ज्ञान नहीं है तो आपको आइटम समझने में मुश्किलें आती हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही डिपार्टमेंट ने स्पेसिफिकेशंस भी बना रखे हैं, सेंट्रल PWD स्पेसिफिकेशंस, जो कि सभी मदों के लिए उसमें कार्य को कैसे कराया जाए। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ज़्यादातर यंग बच्चे भी हैं जिनको मे भी शायद इंजीनियरिंग स्ट्रीम से भी होंगे, जिनको कि इंजीनियरिंग के बारे में अगर या स्पेसिफिकेशंस के बारे में, आइटम्स के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो ये दस्तावेज आजकल फ्रीली वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, CPWD के वेबसाइट पे डाउनलोड करके आप उसको रीड कर सकते हैं। इसकी हार्ड कॉपी मार्केट में भी अवेलेबल रहती है, कभी आप पढ़ना चाहें तो वो कर सकते हैं।
इसके अलावा भी हर तरह के बहुत सारे दस्तावेज सिप्रोनी के वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। किसी को भी इस फील्ड में अगर आगे बढ़ना है, चाहे वो एंट्री से स्टार्ट करना है, चाहे एडवांस स्टेज पे किसी को काम करना है, तो सब सब तरह के दस्तावेज अवेलेबल हैं। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि सिप्रोनी की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे अपना जानकारी हासिल करें। इसके बाद आज का जो मुख्य विषय मुझे बताया गया था कि कंट्रैक्टर्स पार्टिसिपेशन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ कंट्रैक्टर्स, मैंने इसमें कुछ पीपीटीज में मैंने कुछ जानकारी तैयार कर रखी है। पहले मैं ओपनली कुछ ज़्यादा ही जानकारी देना चाह रहा था, बट मुझे आयोजक की तरफ से थोड़ा जानकारी दिया गया कि थोड़ा ब्रीफ में रखें, तो मैं ब्रीफ पॉइंट्स पे ही जानकारी देना चाहूँगा। उसके बाद अगर कोई भी विस्तृत जानकारी चाहिए तो मैं फर्दर अवेलेबल रहूँगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये है जैसे पब्लिक प्रोक्योरमेंट, जिसको हम कहते हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट। क्या है पब्लिक प्रोक्योरमेंट? पब्लिक प्रोक्योरमेंट बेसिकली गवर्नमेंट डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखें तो इसमें तीन तरह के आइटम्स को हम कवर करते हैं। गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, देन परचेज ऑफ वर्क्स, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के जरिए काम कराते हैं, ये प्रोक्योरमेंट की कैटेगरी में ही आता है। इसी तरह से सर्विसेज है। सर्विसेज में मतलब आपका इवन छोटे से छोटा, जैसे आप गाड़ी हायर करके कोई सर्विस देते हैं, ये भी एक सर्विसेज हो गया। तो ये तीनों कैटेगरी के काम पब्लिक प्रोक्योरमेंट में आते हैं, या इनके कोई कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। टेंडर में इन तीनों से मिल करके भी कोई टेंडर बनाया जा सकता है। अब इसमें मुख्यतः अगर हम जाएंगे ऊपर जो गुड्स की कैटेगरी है, अब गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी कर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस में जो भी सामान खरीदे जाएंगे वो जेम के जरिए खरीदे जाएं। अब जेम क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट एक वेबसाइट है। आप अगर उस वेबसाइट पे जाएं तो बिना रजिस्टर किए भी काफ़ी आपको जानकारी मिल सकती है। लेकिन ये वेबसाइट का पर्पज क्या है? ये वर्तमान या पिछले कुछ साल पहले ये वेबसाइट क्रिएट की गई थी, जिसमें ये मैंडेट था कि जिसको भी सामान अपना बेचना हो इस वेबसाइट पे रजिस्टर करें एंड गवर्नमेंट कार्यालय उन सामान को वहाँ से खरीदेंगे। तो इसमें किसी को भी अगर इस वेबसाइट पे जाके लाभ उठाना है तो यहाँ पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अपना प्रोफाइल अपडेट कर दीजिए, उसमें फिर आगे पेमेंट्स वगैरह कैसे आपको मिलने हैं ये सब चीज़ों की जानकारी, बैंक डिटेल्स वगैरह भी देने पड़ेंगे। एंड देन जब किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी डिपार्टमेंट को अपना इवन एक पेन पेंसिल से लेकर के आपका एयर कंडीशनर या उससे बड़े भी सामान भी अगर खरीदने पड़ते हैं तो ये आपके जेम के जरिए परचेज किए जाते हैं। तो आप सभी को मैं ये कहूँगा कि इस वेबसाइट पे जा करके अपनी जानकारी हासिल करें, और अगर कोई इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन भी इसमें करा सकते हैं। इसके बाद मैं दूसरी जो वर्क्स एंड सर्विसेज कैटेगरी है, इनफैक्ट कुछ सर्विसेज जेम के जरिए भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारा कॉन्ट्रैक्टर्स का, जिसमें कि मुख्यतः हम लोग पब्लिक वर्क्स एंड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट के जरिए करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली क्या है? जो किसी एक कॉन्ट्रैक्ट से बनता है वो कॉन्ट्रैक्टर हो जाता है। तो हम लोग जैसे कोई भी काम करते हैं, डिपार्टमेंट में कोई भी काम करवाया जाता है, छोटा से छोटा आप 10,000 का भी काम ले लीजिए, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो रहा है या वहां से लेकर के थाउजेंड्स करोड़ का भी काम है, तो कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट होता है, और वो एग्रीमेंट गवर्नमेंट की तरफ से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड दूसरी तरफ से कॉन्ट्रैक्टर ये साइन करते हैं और ये एक एग्रीमेंट बनता है। पीछे सुंदर सिंह साहब जी ने भी इसके बारे में कुछ जानकारी दी थी कि भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जब भी कोई एग्रीमेंट बनता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट होता है जो कि वेबसाइट पर जारी की जाती है, और उसके साथ में एक स्टैंडर्ड बुकलेट होती है, जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक होती है, जिसमें कि कभी भी कोई एक्शन लेना हो या कुछ भी करना हो वो उसके बारे में सब चीज़ें लिखी रहती हैं। हालांकि वो बहुत ही एडवांस की चीज़ें हैं, मैं आज उसके बारे में यहाँ नहीं कुछ कहना चाहूँगा, बिकॉज अभी वो उसको बताने से कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए काम कराए जाते हैं
वो बेसिकली आपके देख लिए कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, ये ब्रॉडली दो कैटेगरी हैं। अब कंस्ट्रक्शन अगर आपको काम करना है, कराना है, तो ये बिल्डिंग्स हो सकती हैं, ब्रिजेज, फ्लाईओवर्स, रोड्स, हाईवेज, आप जो भी सोच लीजिए, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी चीज़ स्ट्रक्चर जो है कंस्ट्रक्शन में होती है। अब अगर वो कंस्ट्रक्शन हो गया तो उसका मेंटेनेंस भी किसी न किसी विभाग को करना है, जिसने बनाया है या तो वही करेगा या उसका दूसरा विभाग जिसको सौंप दिया जा सकता है कि आप इसकी मेंटेनेंस करेंगे। तो ये दोनों ही कार्य बेसिकली कंट्रक्टरशिप के जरिए रेगुलरली हमारा विभाग भी करा रहा है और बहुत सारे दूसरे विभाग भी इसमें करा रहे हैं। अब इसमें मैं जो लास्ट में लिखा है कैटेगरी, अब कैटेगरी से मतलब ये है कि अगर आप में से जो यंग बच्चे भी हैं, दूसरे भी हैं, अगर सिविल इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल, कंप्यूटर, आईटी, इन सभी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स का वहाँ पर उपयोग होता है, आप अगर इस फील्ड से हैं तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि जो कंट्रक्टरशिप का काम कर रहे हैं वो सिर्फ इंजीनियर ही होंगे तभी कर पाएंगे। आप समझते हैं पहले पुराने समय से लोग इवन अनपढ़ भी जो थे, जो नहीं पढ़े लिखे थे, वहाँ से भी लोगों ने कंट्रक्टरशिप स्टार्ट किया है और आज भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये मैंने लिस्ट आउट किए हैं कुछ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स आप लोगों के सुविधा के लिए, जानकारी के लिए, कि जहाँ पे मुख्यतः इस तरह के इंजीनियरिंग के काम ज़्यादा होते हैं, बट ये टोटल नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, मैं पॉसिबल नहीं था यहाँ लिस्ट आउट करना, बट जैसे सिबरूड़ी एंड डेली पिरूड़ी का मैं ये बता दूँ कि सिबरूड़ी के ही इंजीनियर्स के द्वारा डेली पिरूड़ी में काम कराए जाते हैं, तो जो गाइडलाइंस सिबरूड़ी में जारी होती हैं वो सारी की सारी गाइडलाइंस डेली पिरूड़ी में फॉलो होती हैं। इसी तरह से फिर MES, रेलवे, NHAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी, DDA, स्टेट पिरूड़ी, NBCC, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो जिसको भी इस तरह के काम करने हैं आप इन विभाग में संपर्क कर सकते हैं, उनके वेबसाइट्स पे जा करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। इनफैक्ट ये आप अगर पीछे जाएं 10-12-15 साल पहले कभी वेबसाइट्स वगैरह का हम लोग जानकारी नहीं होती थी, अब हर चीज़ आपको कहीं किसी के पास जाए बगैर बहुत सारी जानकारी आप अपने घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब ये है बेसिकली अगर हम आते हैं कि रजिस्ट्रेशन किसी को कराना है तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी ये हो ब्रॉडली कि भी वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में उनको पता होना चाहिए। ये कैटेगरी ऑफ इनलिस्टमेंट, अब जैसे मैं अगर सिपरूडी की बात करूं तो सिपरूडी में पहले 3 कैटेगरी के इनलिस्टमेंट थे, लेकिन वर्तमान में जो है वो मैं बता दूं कि बिल्डिंग एंड रोड्स, एंड दूसरा है हॉर्टिकल्चर। अब बिल्डिंग एंड रोड्स के जरिए सारे कंस्ट्रक्शन जितने भी हो सकते हैं वो उन्हीं कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट कराए जाते हैं, और अगर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड काम होंगे तो वो आप दूसरी कैटेगरी में कराएंगे। अब ये सेकेंड पॉइंट जो हमने कहा है क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब पहला जो हमने कहा कि बिल्डिंग एंड रोड्स, तो उस बिल्डिंग एंड रोड्स में करीब 6-7 कैटेगरी हैं, जो सबसे लोअर कैटेगरी है वो क्लास 5 है, एंड जो हाइएस्ट कैटेगरी है वो क्लास 1 सुपर। अब क्लास 5 का मतलब ये हुआ कि जो अगर क्लास 5 में रजिस्टर्ड हैं वो करीब 40 लाख तक के काम जो है टेंडर भर सकते हैं, ऐसा ही क्लास 1 सुपर अगर है तो वो 650 करोड़ तक के काम भर सकते हैं, और उसके ऊपर भी अगर काम आते हैं तो वो खैर डिफरेंट कैटेगरी में चला जाता है। अब ये 3-4 पॉइंट मैंने इसलिए लिखे हैं कि भाई स्क्रीनिंग ऑफ डिजायर्ड कंट्रैक्ट, मतलब अगर आप सोचें कि भाई ये रजिस्ट्रेशन किया क्यों जाता है, आप कल्पना करें कि भाई ये बिना रजिस्ट्रेशन के भी टेंडर हम इन्वाइट कर सकते हैं, लेकिन उसमें होगा क्या, ऑल इंडिया से इतने लोग पार्टिसिपेट करेंगे कि जिसको डील करना मुश्किल होगा। तो इसलिए पहले ये है कि जो एलिजिबल लोग हैं जिस काम के लिए उनको उस कैटेगरी के लिए लिस्ट आउट कर लिया जाए, एंड ये डिपार्टमेंट अपनी रजिस्ट्रेशन करा करके हर लेवल के काम के लिए अलग अलग रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स की लिस्ट मेंटेन करता है, और जब उस लेवल के काम इन्वाइट किए जाते हैं तो उसी लेवल के टेंडर कॉन्ट्रैक्टर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो
सेकंड पॉइंट वही है, इंश्योर ईज ऑफ टेंडरिंग बाय कॉन्ट्रैक्टर्स, जो मैंने कहा कि भी उनको सुविधा होती है। एंड अब ये जो मैंने लास्ट सेकंड लास्ट पॉइंट है, टेंडरिंग लिमिट्स, जब आप किसी कैटेगरी एंड किसी पर्टिकुलर क्लास में रजिस्टर्ड होते हैं तो उसकी एक सीमा होती है कि उस सीमा तक का टेंडर कहीं पर भी इनवाइट हो रहा है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब एक बार रजिस्ट्रेशन अगर आपका हो गया तो आपका उसकी वैलिडिटी कितने दिन होगी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी वर्तमान में ये 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन वैलिड रहता है अनलेस एक्सटेंडेड। इसी तरह से अगर आप दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो इसकी वैलिडिटी ऑल इंडिया है, आप यहां रजिस्ट्रेशन कराएंगे लेकिन आप ऑल इंडिया कहीं पर भी जाके इसमें टेंडर भर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये मैंने पहले बताया कि कैटेगरी ऑफ रजिस्ट्रेशन इन सिब्रोडी बिल्डिंग एंड रोड्स। अब इसमें जैसे कि ऑल रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स, जो मैंने पीछे बताया, ये सभी तरह के कामों के लिए आपको बिल्डिंग एंड रोड्स कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करना होगा। हॉर्टिकल्चर में अगर आपका इस तरह के किसी भी काम में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लैंडस्केपिंग, प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन, ग्रासिंग एक्सेट्रा, तो इस कैटेगरी में जाने के लिए आपको हॉर्टिकल्चर कैटेगरी में अपना रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, इससे एक और पॉइंट है इनमें कि जो रजिस्ट्रेशन के जो डिजिग्नेटेड पॉइंट्स हैं, जैसे हायर क्लासेस के लिए हमारा सेंट्रल ऑफिस करता है, डीजी ऑफिस, एंड लोअर कैटेगरीज के लिए जो डिजिग्नेटेड एसडीजीज यानी स्पेशल डीजी एंड एडीजीज जो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस पे अवेलेबल हैं, उन स्टेट्स के लिए वो रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन अगर कराना है तो ये मुख्यतः जो डॉक्यूमेंट्स हैं बेसिकली ये लिस्ट आउट कर रखे हैं, बट ये इनके अलावा भी कुछ छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, जैसे वर्क एक्सपीरियंस। अब किसी को अगर कहीं रजिस्ट्रेशन कराना है तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आपने क्या पहले काम किया है। तो अब ये उस तरह का हो गया कि पहले रजिस्ट्रेशन है नहीं लेकिन एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो ये चीज है। तो अगर आपको क्लास 5, क्लास 4, क्लास 3 में कहीं रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन वही आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं एक्सपीरियंस कहां से लाऊं जब मेरा रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, इसका जवाब मैं आगे दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है नेटवर्थ और बैंकर्स सर्टिफिकेट, इस तरह की चीजों की भी जानकारी मतलब सर्टिफिकेट देनी पड़ती है। एवरेज एनुअल टर्नओवर, ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स, जैसे मान लो कोई क्लास 1 में रजिस्ट्रेशन कराता है तो क्लास 1 में जब रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उसको क्लास 2 एंड बिलो में कभी वो काम कर चुका होगा, तो वो अपने आप को अगर अपग्रेड करना चाह रहा है तो डेफिनेटली उसके पास ये सर्टिफिकेट्स होंगे, और इसलिए वो उसको अगर अपग्रेड करना है तो उस डिजायर्ड लेवल के सर्टिफिकेट्स उसको प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, तो ये वो जानकारी उसको देनी पड़ती है। और ये लास्ट के जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पैन, आधार, ये तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी बिजनेस करना है तो आपको ये जानकारी आप प्रदान करनी पड़ेगी। एंड जब आप अप्लाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो इन्वेस्टमेंट रूल्स हैं, उस रूल्स के हिसाब से वहाँ प्रोफार्मा है और प्रोफार्मा में आपको जानकारी भरनी पड़ती है। इसी पॉइंट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सीबीरोडी ने एक बुक बना रखी है जिसका नाम है रूल्स फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स इन सीबीरोडी। ये लेटेस्ट 2021 का है, ये वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, सीबीरोडी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप इसके बारे में पूरी जानकारी आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब ये रजिस्ट्रेशन अगर कराना है तो आपके जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं उनका स्टेटस क्या हो सकता है, एंटिटी क्या हो सकती है। वो एंटिटी की हमने एक लिस्टिंग किया है कि भाई एक कोई इंडिविजुअल भी आपका ये रजिस्ट्रेशन कराना चाहे अपने नाम से डायरेक्टली वो कर सकते हैं। आप सोल प्रोप्राइटरशिप के जरिए कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ये करेंगे। देन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड इवन लास्ट जो आपके हाईएस्ट कैटेगरी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकती हैं। एंड आज तक ये है कि इवन आपके एलएनटी, टाटा, इस तरह के लोग भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं।
नेक्स्ट प्लीज। अब ये है जो मैं पीछे बता रहा था कि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन या काम का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से देंगे। यहाँ पे अभी डिपार्टमेंट ने ऐसी प्रावधान किया है कि जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स हैं, या हॉर्टिकल्चर की कैटेगरी के लिए बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर हैं, उन लोगों को बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के वो डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड उनमें और भी कई तरह के छूट हैं जिसको कि अप्लाई करते ही आपके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं उसके अप्लाई करते ही आपका एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जारी हो जाता है। इमिडिएटली एक महीने के अंदर ही प्रावधान है जारी करने का, और इसके बाद आप काम स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर रेगुलराइज हो सकता है वो प्रक्रिया। अब इसमें अनएम्प्लॉयमेंट का जो मीनिंग दिखाया गया है ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयूज एंड इंस्टीट्यूशंस वगैरह के बारे में है। इसमें प्राइवेट कंपनियों का काउंटिंग नहीं है, लेकिन एक नीचे हमने जो पॉइंट लिखा कि इनकम नॉट मोर देन 4 लाख पर ईयर, ये वो लिमिट रखी हुई है। तो अगर इसको सेटिस्फाई करते हैं तो आगे अप्लाई करें। अब अगर डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, डिप्लोमा है तो क्लास 5 में, एंड डिग्री होल्डर है तो क्लास 4 में अपना रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर साइड या हॉर्टिकल्चर से होंगे तो क्लास 4 में होंगे। अब इसमें एससी एसटी कैटेगरी के लिए भी जो मतलब एक सर्टिफिकेट्स वहाँ देने होते हैं, बैंकर सर्टिफिकेट, इसमें भी छूट है। जो नॉर्मल कैटेगरी के लिए अमाउंट चाहिए होगा उससे कहीं कम अमाउंट आपको यहाँ पे देने की आवश्यकता पड़ेगी। अब एक लास्ट जो हमने लाइन लिखी है, रिटायर्ड गवर्नमेंट इंजीनियर, आर्किटेक्ट, एग्रीकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट, ये एक तरह से मैं समझता हूँ बहुत सारे कुछ सीनियर लोग भी अवेलेबल हैं, और अगर कभी किसी की इच्छा करे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिटायर होने के बाद अगर वो कंट्रेक्टरशिप करना चाहते हैं, अफकोर्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का लिखा हुआ है, तो वो अपने मतलब रिटायरमेंट के एक साल के बाद रिटायरमेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। इसमें वो फाइनेंशियल बैंकर सर्टिफिकेट देना पड़ता है, बट इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता, बिकॉज वो डायरेक्टली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस काम कराने का होता ही है। ये सब बताने के बाद मैं, चूंकि समय ज़्यादा नहीं है, वैसे तो इनिशियली मेरे पास इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए काफ़ी था, लेकिन समय सीमा को देखते हुए मैंने रिड्यूस किया है, बट ये मेरे कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं। अभी सुंदर सिंह साहब ने भी काफ़ी कुछ बताया था इस बारे में, लगभग उसी तरह के पॉइंट्स हैं कि आप अगर इस बिजनेस में काम करना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ें, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं कि आजकल काफ़ी पढ़े लिखे लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे ही विभाग के काफ़ी सीनियर लेवल के लोग भी आफ्टर रिटायरमेंट एक साल के बाद भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इवन डीडीए के भी आए थे, किसी और डिपार्टमेंट के भी रजिस्ट्रेशन के लिए आए थे, और मैं खुद उस पॉइंट पर हूँ जहाँ रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो मुझे जानकारी है। सो बिना किसी हेजिटेशन के, एंड जो जो जिनके अंदर फ्लेयर है, जिनके अंदर इंटरेस्ट है इस फील्ड में आने का, वो डेफिनेटली इसमें आगे बढ़ें। बट ये कुछ डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं देखता हूँ कि डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट क्या एक्सपेक्ट करता है, अगर आप ठेकेदारी में आते हैं, कंट्रेक्टरशिप करते हैं, तो डिपार्टमेंट क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे, तो वो है बेसिकली ये कुछ लिस्टेड पॉइंट्स हैं कि मेंटेन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वर्किंग, आप कभी भी धोखाधड़ी या कुछ धोखे में मत रख के काम करिए, उसमें ही सबकी भलाई है। एंड देन मेंटेन स्पीड एंड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, अगर कोई भी काम आप लेते हैं, समय से पूरा करते हैं और अच्छा काम करते हैं, तो आप सभी की नज़रों में, आप अपने नज़र में, सभी की नज़रों में आप अच्छा बनेंगे, और आगे ही आगे भी आपके जो जो क्रेडेंशियल्स हैं वो और मजबूत होंगे, और आगे भी आपको काम मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। शो गुड कंडक्ट एंड एथिकल प्रैक्टिस, ये वैसे सभी प्रोफेशन में होना है, होना चाहिए। गाइड फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ इन्वेस्टमेंट रूल्स, जो मैंने किताब दिखाई है इसमें गाइडलाइंस दी हुई हैं कि आपको इसमें क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। कुछ चीज़ों पे अगर आप गलत करते हैं तो आपका वो रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है, तो इसलिए
थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। बट अगर आप एक जैसे कहते हैं ना कि हमें एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया रहते हुए हर लीगल पॉइंट्स की जानकारी नहीं होती, लेकिन अब अगर हम अपने फेयर तरीके से काम करते हैं तो एक तरह से किसी को नुकसान नहीं होता है। उसी तरह से अगर आपका जो इंटेंशन अच्छा होगा तो कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। देन मेंटेन टेक्निकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सफुलनेस। आप अगर आप खुद भी टेक्निकली सक्षम नहीं है तो आप अपने साथ में एसोसिएट रख सकते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए आजकल बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, लोन ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये सुविधाएं भी अवेलेबल हैं और इसका भी लाभ उठा सकते हैं। आजकल मतलब जो अनएम्प्लॉयड या जो जो उस कैटेगरी के इंजीनियर्स नहीं हैं वो अपने साथ में टेक्निकल असिस्टेंस लेते हुए आगे काम करा रहे हैं और आप लोग भी इसमें आगे बढ़ सकते हैं। जब आप कंस्ट्रक्शन में जाते हैं तो बहुत सारे लेबर लॉज बेसिकली होते हैं। ठीक है, आप अच्छे तरीके से मतलब आप किसी को एक्सप्लॉयट अगर ना करें तो लेबर लॉज में कहीं नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं आती है। और सबसे पहली चीज़ ये होती है कि भाई एक कोई भी जिसके जरिए आप काम करा रहे हैं उसको उसका जितना हक है आप उसको पेमेंट दीजिए, और उसके रहने खाने और जो आसपास में व्यवस्था है वो सब ठीक ठाक रखिए तो उसके ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन लेबर लॉज अपने आप में अगर देखेंगे तो काफ़ी लेबर लॉज हैं जिसमें एक दो जगह मैंडेटरली आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है, सो दैट कि चूँकि आप किसी को एम्प्लॉय कर रहे हैं तो आप उनकी देखभाल भी करेंगे, तो इसलिए वो लेबर लॉज भी फॉलो करने पड़ते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कई बार डिपार्टमेंट, जैसे पीछे भी बताया गया कि आप काम करते ही कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लिटिगेंट माइंडेड होते हैं, काम तो कम करेंगे कानूनबाजी ज़्यादा करते हैं, अपना कहीं ना कहीं उसको उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं थ्रू दिस लिटिगेशन। तो इस प्रोसेस में ठीक है, अगर आपके साथ इंजस्टिस हुई है, कहीं आपको प्रॉब्लम हुई है, तभी आप उसमें जाएं, क्योंकि व्यवस्था तो रहती है, लेकिन अननेसेसरली ना जाएं। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको एक बार यही कहूँगा कि ये बिजनेस भी रिस्पेक्टेबल बिजनेस है। आजकल मैं समझता हूँ आप सबको जो लोग भी इसमें फ्लेयर रखते हैं, जो लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको आना चाहिए। इन्फॉर्मेशंस की कमी नहीं है, आप किसी भी वेबसाइट पे आप मतलब घर बैठे आपकी जानकारी चूँकि प्राप्त हो जाती है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। उसके बावजूद भी अगर आपको मेरे विभाग के जरिए मेरे जरिए कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं ऑलवेज अवेलेबल। एंड जैसा कि आपने पीछे फ़ोन नंबर्स लिए थे, मेरा फ़ोन नंबर भी मैं मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं, कभी आपको ज़रूरत हो तो मैं शेयर कर सकता हूँ। मेरा नंबर है 9868143434। मैं आरकेपुरम एरिया में मेरी ऑफिस है, कभी आपको जरूरत पड़े तो आप वहाँ पे पता कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।